नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी भिंडी और बेसन की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी रेसिपी, जो बिल्कुल ही नए और अलग तरीके से बनने वाली है। बिल्कुल ही आसान तरीके से झटपट बनकर तैयार होने वाली यह रेसिपी है, तो एक बार अवश्य ट्राई करिए। भिंडी और बेसन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया था और इसको इस तरह से काट लिया है, आगे पीछे का भाग निकाल दिया था काट कर, और इसको इस तरह से बड़े बड़े पीसेज में काट लिया था। ये ध्यान रहे कि भिंडी अच्छे वाला होने चाहिए, कीड़े वगैरह नहीं होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर डालेंगे बेसन। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच बेसन लिया है और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए भिंडी के ऊपर बेसन का अच्छे से कोट हो गया है। अब इसको एक तरफ रख देंगे। यदि यह रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इधर गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब जीरा और हरा मिर्च से तड़का लगाएंगे। अब इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए सुनहरा कलर होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, सॉफ्ट और सुनहरा भी हो गया है। अब इसी स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज का टमाटर था जिसको मिक्सर जार के अंदर डालकर ग्राइंड कर लिया था। टमाटर को डालेंगे प्याज के अंदर और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। अब इसके अंदर डालेंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें है धनिया पाउडर गरम मसाला के साथ, हल्दी पाउडर। अब डालेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि मसाला अच्छे से साथ में मिक्स हो जाए। अब इसको ढककर पका लेंगे। मसाले को जब तक पकाना है तब तक मसाले से तेल न अलग हो जाए। ये देखिए भिंडी भी अच्छे से कोट हो गई है बेसन के अंदर। इधर दूसरे तरफ 1 पैन चढ़ाएंगे गैस के ऊपर, तेल डालेंगे और भिंडी को भी भून लेंगे। भिंडी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, 70-80% कुक करना है। इधर मसाला भी तैयार हो गया है। इसको पौने की सहायता से या चम्मच की सहायता से अच्छे से उलट पलट कर चला लेंगे। अब इसके अंदर डाल लेंगे दही। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच दही लिया है। गैस को बंद करके फिर इसके अंदर दही डाला है ताकि दही फटने ना पाए। लगातार इसको चलाएंगे इस तरह से अच्छे से 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए फेंट लेंगे। फिर गैस को जला लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मसाला भी अब पक कर तैयार हो गया है। तेल अलग सेपरेट हो गया है। इस तरह से बनी हुई सब्जी आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ सर्व करिए। सबके साथ खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसके अंदर डाल लेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर भिंडी भी 70-80% कुक हो गई है। गैस को बंद करेंगे और इसको डाल लेंगे मसाले के अंदर भिंडी को, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। जिस कढ़ाई में भिंडी को भुना था उसी कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर इसके अंदर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए लो फ्लेम पे इसे पका लेंगे 5 से 6 मिनट तक। ये देखिए भिंडी और बेसन की बहुत ही ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार इस तरीके से अवश्य ट्राई करिए। अब गैस को बंद करेंगे, ठंडा करेंगे और सर्व कर लेंगे। यदि यह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना न भूलें।
बहुत ही शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है। कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अब लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से बनी हुई सब्जी बच्चे भी खूब पसंद करने वाले हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो एक बार अवश्य इस तरीके से ट्राई करना न भूलें।